Welcome to the Tech Gurukul. Today's unit is practice set 1.2 linear equation in two variable class 10 SSC board Maharashtra. उसके अलावा problem set में इससे related कुछ question है, जैसे question number 2 and question number 3. ये दोनों को भी मैं इसी video में solve करूंगा. किसी भी चीज को solve करने के हजार तरीके होते हैं. उसी तरीके से linear equation of two variable में variable find out करने के भी कई तरीके होंगे. उसमें से एक तरीका है graphic method. और graphic method में सबसे basic होता है coordinate. तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है. मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और आपसे पूछा आप कहां पर है. आपने जवाब दिया मैं यहां पर हूं. क्या मैं ये कभी समझ पाऊंगा कि आप कहां पे हैं? आंसर है नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा. कैसे? आप कोल्हापुर में भी हो सकते हैं, आप सोलापुर में भी हो सकते हैं, आप पुणे में भी हो सकते हैं, या आप तमिलनाडु में भी हो सकते हैं, आप कहीं पे भी हो सकते हैं. तो आपने फिर से जवाब दिया कि मैं ताजमहल से 50 मीटर के डिस्टेंस पर हूं. तो यहां आपने रेफरेंस क्या दिया? ताजमहल को आपने एक रेफरेंस दिया. तो क्या मैं अब फाइंड आउट कर सकता हूं कि आप कहां पे हैं? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि अगर ये ताजमहल है तो 50 मीटर कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही हो. 50 मीटर इधर भी हो सकता है, 50 मीटर इधर भी हो सकता है, 50 मीटर इधर भी हो सकता है, और 50 मीटर इधर भी हो सकता है. और मैथमेटिक्स में कैसा होता है, लमसम अमाउंट चलता नहीं है. आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ता है कि आप कहां पे हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक रेफरेंस से किसी चीज को प्रूफ करूं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें कुछ और भी रेफरेंस चाहिए. तो अब आपने कहा कि मैं हनुमान मंदिर से 40 मीटर के डिस्टेंस पे हूं. तो क्या मैं अब बता पाऊंगा कि आप कहां पे हैं? यस, मैं बता पाऊंगा. एक तरफ मैं देखूंगा, दैट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से ताजमहल 50 मीटर पे है और जो हनुमान मंदिर है वो 40 मीटर किधर है. तो इसका आंसर ऐसा निकलेगा कि एक ऐसी जगह पे है, दैट मींस यहां पे, जहां से ताजमहल 50 और हनुमान मंदिर 40 मीटर पे है. तो यहां पे आपको कितने रेफरेंस चाहिए? रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2. अब आते हैं ग्राफ पे. ग्राफ में आपने देखा होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है. जो x एक्सिस होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल और जो y एक्सिस होता है वो होता है आपका वर्टिकल. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे x ही दे, यहाँ पे y दे, आप कुछ और भी रख सकते हैं. बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x और y है, x हॉरिजॉन्टल के लिए और y वर्टिकल के लिए. तो हम लोग भी ये स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे. अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है 0 0, जहां पे x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है, कुछ नंबर लाइन की तरह. तो आप ऐसा समझे, अगर आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6. सिमिलरली अगर आप इधर जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर आप नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो यहां पे आपने क्या देखा कि ये जो रेफरेंस 1 था वो क्या था, ताजमहल, और रेफरेंस 2 क्या था, हनुमान मंदिर. सिमिलरली यहां पे x क्या है, एक रेफरेंस है, और y क्या है, रेफरेंस है, और इस रेफरेंस को नाम दिया गया एक्सिस. ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है सपोज यहां पर, तो ये x रेफरेंस से कितना दूर है, तो आंसर है 2, और ये y रेफरेंस से कितना दूर है, तो आंसर है 3. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 एंड 3. ये तो हो गया ग्राफ एंड कोऑर्डिनेट. अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो हम उसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करके कैसे आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेथड वही था कि ग्राफ मेथड से हमें इस दो लीनियर इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स वाई का. तो उसके कुछ प्रोसीजर है. सबसे पहला जो प्रोसीजर है कि दो आपके पास जो इक्वेशन है इसके आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आप यहां पे प्लेस करेंगे और आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं. कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, जैसे कि पहला लेता हूं, इसमें से आप x या y अपने हिसाब से चूज करिए और कोई भी नंबर आप ले लीजिए. आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं. जैसे कि x का वैल्यू मैं ले लेता हूं 1. एक का वैल्यू लेना है, दोनों का वैल्यू नहीं लेना है,
या तो x या y, लेकिन वैल्यू सिर्फ आपको एक का ही लेना है। x का वैल्यू आपने लिया 1, अगर मैं x का वैल्यू यहां पुट कर दूं तो कैसा आएगा, 1 प्लस y इक्वल टू 6, ये 1 प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस, और y का वैल्यू कितना आएगा 5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 1 आया था इसलिए पहले प्लेस पे, और y का वैल्यू 5 आया था इसलिए दूसरे प्लेस पे, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। फिर से समझते हैं हमने क्या किया, यहां पे हमने एक वैल्यू एज्यूम किया और दूसरे का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया। उसके अलावा हम यहां पे कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, प्लस में, माइनस में, जीरो में, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, कोई भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम बड़े नंबर क्यों नहीं लेते हैं, इसका आंसर ये है कि मान लीजिए आपने x का वैल्यू कुछ 500 लिया तो y का वैल्यू कैसा आता, -494, ऐसे ही कुछ वैल्यू आता। अब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करने जाते हैं तो हार्डली आपके पास कितने नंबर तक प्लॉट करने के लिए रहता है, 26, 25, उससे ज्यादा आपके पास होता नहीं है जगह। तो अगर आपको प्लॉट करना है 500 तो आप कैसे प्लॉट करोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो तो अलग ही है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर लेते हैं। तो अब हमने जो प्रोसीजर यहां पे किया है वो प्रोसीजर हम यहां पे भी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमने जो यहां पे नंबर लिया है क्या हम यहां पे भी वो नंबर ले सकते हैं, दैट मीन एक्स इक्वल टू 1। आंसर है यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप चाहे तो सेम नंबर लीजिए या नहीं चाहे तो अलग नंबर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू मैंने डाला 1, दैट मींस 1 माइनस y इक्वल टू 2, दैट मींस माइनस y, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट मींस 1, ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, y का वैल्यू आएगा माइनस 1। तो हमने x क्या डाला था 1 और y क्या डाला था माइनस 1। अब हम इसे करते हैं पुट, ये क्या है 1 और 5। तो यहां पर आइए आप, 1 क्या था x, यानी दैट मींस इस लाइन में आएगा, और y क्या था 5, दैट मींस इस लाइन पे आएगा, तो कुछ समहाउ यहां पे आएगा। ओके, पहला आपका कोऑर्डिनेट मैंने प्लेस कर दिया। दूसरा क्या है 1 और -1, 1 किसका वैल्यू है x का, तो यहां पे आएगा, बट y क्या है माइनस में है तो नीचे जाएगा, y का वैल्यू -1 का है यहां पे है, तो कुछ यहां पर आएगा। अब ये ऊपर वाला किसका कोऑर्डिनेट था, इसका, नीचे वाला कोऑर्डिनेट किसका था, इसका। इससे क्या हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, आंसर है नहीं, हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा कुछ प्रोसीजर अनकंप्लीटेड है। तो यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, आपको दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट लेना है। एक्चुअली में हमारा दो कोऑर्डिनेट में काम बन जाता है, लेकिन आपकी बुक ऐसा कहती है कि हमें चार कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती भी कर दी तो एक में गलती होगी, बाकी तीन आपकी सही रहेगी, तो आपकी लाइन सही आएगी। बट अगर आप मुझसे पूछो तो दो इनफ है, लेकिन आपके बुक में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि 4 times आपको लेना ही लेना है, तो जब भी आप बनाएंगे आपको 4 times लेना ही होगा। पहले मैं 2 points से शुरू करता हूं, आपको समझाता हूं कैसे बनता है, देन हम आगे 4 times बनाएंगे। मान लीजिए आपने यहां पे 1 लिया था, तो अब एक काम करिए, x का दूसरा वैल्यू ले लीजिए, तो आपने कितनी बार कोऑर्डिनेट निकाला, 1 बार निकाला। तो दूसरी बार कोऑर्डिनेट लेने के लिए सिर्फ x का ही वैल्यू दोबारा लेना जरूरी है, आंसर है नहीं, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये ध्यान रखें कि x का वैल्यू 1 ले लिया है तो दोबारा 1 ना ले x का वैल्यू। तो मान लीजिए मैं x का वैल्यू लेता हूं -1, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1, -1 प्लस y इक्वल टू 6, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा 7, देन y का वैल्यू 7। तो क्या कोऑर्डिनेट हुआ आपका, -1 और 7। अब आते हैं यहां पे आपने लास्ट टाइम क्या किया था, x माना था, इस बार चलिए मैं y मान लेता हूं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि y का वैल्यू क्या आया था, -1 आया था, ये वैल्यू छोड़ के, क्योंकि अगर आप -1 लेंगे तो आपको सेम कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हमें सेम कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, अलग चाहिए। y का वैल्यू मान लीजिए मैं मान लेता हूं 1, तो इसमें अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, x, और ये पहले से माइनस था, x माइनस 1 इक्वल टू 2, देन x का वैल्यू आया 3, तो कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, 3 and 1। अब इसे प्लॉट करता हूं ग्राफ पर, सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं, माइनस 1 और 7, माइनस x के लिए किधर आता है, इधर आता है, माइनस 1 और 7 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आएगा कुछ आपका ऐसा। उसी तरीके से यहां क्या है, 3 and 1, 3 आपका क्या है यहां पे है, और 1 कहां पे है, ऊपर जाएगा, क्योंकि y पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा, तो आपका आएगा यहां पे। अब आपको यहां पे क्या करना है, जैसे कि ये इक्वेशन है आपका, तो यहां पे आपको कितने कोऑर्डिनेट निकाले आपने, एक ये पहला निकाला, ये दूसरा निकाला,
अब एक ही इक्वेशन के है तो हमारा ज्वाइंट करना भी सही रहेगा। ये हो गया 1 माइनस 1, कहां था 1 माइनस 1, यहां पे था। दूसरा 3 एंड 1 यहां पे था, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक स्केल लेके मैच कर दूंगा, ऐसा लंबी लाइन यहां से इधर से भी। उसके अलावा बाकी जो दो कोऑर्डिनेट बचे थे वो किसके थे, इस इक्वेशन के थे। यहां भी मैं एक स्केल लेके क्या करूंगा, कुछ ऐसा कट करूंगा। ओके, ये सब आपको किससे करना है, स्केल से करना है और ग्राफ पे करना है, बोर्ड पे है इसलिए एरर होने के चांस ज्यादा है। तो जहां पे ये पॉइंट कट करता है वहां से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यू निकालना है। जैसे कि अगर आप यहां से देखें तो 3 पे आएगा और यहां से देखेंगे तो 5 या 6, ऐसे ही कुछ एरर है, कुछ गलती भी हो सकता है। तो आप कोऑर्डिनेट कैसा लिखेंगे, कहां पे टच हुआ, मान लीजिए ये 5 पे टच हुआ, तो आंसर आएगा 5 एंड 3। तो ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। किसके लिए हो गया, ये टू वेरिएबल इक्वेशन में x और y का एक्चुअल वैल्यू है। इससे पहले अभी तक आपने क्या किया, आपने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट बनाए, उनका एक स्ट्रेट लाइन बनाया, दोनों लाइन यहां पर कट करते हैं, वो आपका एक्चुअल वैल्यू देता है। ये तो हो गया दो कोऑर्डिनेट से, दो कोऑर्डिनेट से हमने एक लाइन बनाई। बुक आपको कहता है कि आपको 4 कोऑर्डिनेट लेके बनाना है। मान लीजिए कि दो को और कोऑर्डिनेट अगर आपने निकाल लिए तो सपोज यहां पे आएगा और यहां पे आएगा, उसी तरीके से इस लाइन का कहीं यहां पे आएगा और कहीं समथिंग कहीं पे भी आ सकता है, बट आएगा इसी लाइन में ही। तो ये देख के हमें क्या समझ में आएगा, हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड था, इसमें से कोई भी इक्वेशन अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कोऑर्डिनेट, वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्वेश्चन ये हो सकता है सारे लाइन तो स्ट्रेट ही आते होंगे, तो आंसर है नहीं। बहुत सारे टाइम अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आए ऐसा जरूरी नहीं है, वो कर्व्ड भी आ सकता है। तो यहां पे आपकी प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे लीनियर इक्वेशन में आपकी लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी और जितने भी आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे सब एक लाइन में आएगी। अगर आपका कोई लाइन में नहीं आ रहा है, दैट मींस आपने 4 लाइन निकाले थे, दैट मींस 4 कोऑर्डिनेट निकाले थे, 1 2 3 4, कोई मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट यहां ना आके यहां पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने ये गलत निकाला है, तभी आपका कोऑर्डिनेट अलग हुआ है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, दोनों का स्ट्रेट लाइन हमने बनाया और जिस पॉइंट पे मीट किया वही उसका एक्चुअल वैल्यू हुआ, दैट मींस वेरिएबल का वैल्यू हुआ। अब एक एक करके बना के देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। टेबल मतलब क्या, हमें यहां पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास एक्स और वाई रहता था जिसमें से किसी एक का वैल्यू अपने हिसाब से रखते थे और वाई का वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे। तो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट बनता था एक्स और वाई के टर्म में। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, जो आप एज्यूम करते थे, जैसे आपने एक्स एज्यूम कर लिया -1, तो यहां पे इन्होंने खुद एज्यूम करके दिया है आपको दूसरे का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहां पे इन्होंने एक्स का वैल्यू पहले ही 3 दे दिया है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, तो अगर आप देखें तो ये 3 हो गया, तो ये 3 उधर जाके हो जाएगा -3 -3 0 हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0। लेकिन वो करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आपको कोऑर्डिनेट पूरा दिया हुआ है। यहां पे ऑलरेडी इन्होंने 3 और 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब ये y का वैल्यू है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका 0। यहां पे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ नहीं है। सिमिलरली आप यहां पर आइए, यहां पे y का वैल्यू 3 दिया हुआ है जो यहां पे लिखा भी हुआ है, उसके अलावा यहां पे x का भी वैल्यू दिया है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप सीधे 0 लिख देंगे, काम बन जाएगा। आते हैं सेकंड पे, यहां पे भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू दिया हुआ है, यहां भी निकालना पड़ेगा, यहां तो इन्होंने तीनों दे के रखा है तो यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू क्या है, 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3, ये 5 प्लस में था उधर जाके हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स 3 माइनस 5, दैट मीन्स -2, x का वैल्यू हो गया -2। अब x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, -2 और 5। कम टू द नेक्स्ट, अब यहां पे y का वैल्यू कहां पुट करना है, क्या यहां पे पुट करना है, आंसर है नहीं, ये हमें दूसरे के लिए पुट करना है। तो x माइनस y का वैल्यू है 0 इक्वल टू 4, अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, +0 -0 एक ही बात है, तो x का वैल्यू हो गया 4, तो क्या हो गया आंसर यहां पे 4 और कोऑर्डिनेट बनेगा 4 एंड 0।
सिमिलरली इस पे आते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस वन, दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस वन, y का वैल्यू पता नहीं और इक्वल टू है फोर। ये माइनस वन उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो फोर प्लस वन फाइव, माइनस वाई इक्वल टू फाइव, वैल्यू y का निकालना है माइनस y का नहीं, तो y का वैल्यू हो जाएगा उधर ट्रांसफर होके माइनस फाइव, तो हो गया माइनस फाइव। कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस वन माइनस फाइव, सॉरी माइनस फाइव, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व इक्वेशन ग्राफिकली। ये दो इक्वेशन है आपको और इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, कितने, इसके चार कोऑर्डिनेट चाहिए और इसके चार कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई में से किसी का भी आप एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए और दूसरे का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ऐसा कितनी बार करेंगे, चार बार करेंगे, और जो हम नंबर एज्यूम करेंगे वो नंबर हम छोटे छोटे लेंगे ताकि सॉल्व हो सके। उसके अलावा एक और बात है, जैसे नंबर पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है, तो ट्राई करें आप एक नंबर ले प्लस वन, एक नंबर ले माइनस वन और एक नंबर ले जीरो, उसके अलावा चौथा कोई भी नंबर ले ले, प्लस टू ले ले नहीं तो माइनस टू ले ले। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे और छोटे कोऑर्डिनेट होंगे तो हमें बनाना आसान होगा ग्राफ पर। दूसरी बात कि क्या हम सिर्फ ये होल नंबर नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, क्या हम कोई डेसिमल नंबर नहीं ले सकते क्या, 1.2 एंड ऑल दैट, तो इसका आंसर है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां आपको बनाना मुश्किल होगा, वहां पे पॉइंट वाले नंबर यानी डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है और यहां पे भी मुश्किल होगा, इसलिए हम डेसिमल वाले नंबर नहीं लेंगे, होल नंबर या नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो सबसे पहले सपोज कोई भी ले ले, चाहे आप एक्स भी ले सकते हैं और वाई भी ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्स का वैल्यू सबसे पहले लेता हूं मैं, माइनस से शुरू करता हूं, माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस वन सेवन, ये हो गया पहला वैल्यू। दूसरा सपोज एक्स इक्वल टू माइनस वन ले लिया, अब जीरो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस वाई, दैट मीन्स वाई और वाई का वैल्यू सिक्स। उसके बाद फिर एक और मैं वैल्यू ले लेता हूं, कितनी बार करना है मैं, चार बार करना है, माइनस हो गया जीरो हो गया प्लस लेता हूं प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये प्लस वन प्लस वाई, दैट मीन्स वन प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वन उधर जाके हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस वन, दैट मीन्स फाइव। वन मोर टाइम, अब टू वैल्यू ले लेता हूं, तो x का वैल्यू लिया 2, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है 6 माइनस 2, दैट मींस 4। यहां पे हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 2, हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट आ गए, बट इसे एक प्रॉपर वे में लिखना है, दैट मींस एक चार्ट के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिखे x y एंड देन यहां पे कोऑर्डिनेट x y। सबसे पहले क्या लिया आपने, माइनस वन, फिर क्या लिया आपने जीरो, फिर आपने क्या लिया वन, और फिर क्या लिया टू, उस पर क्या वैल्यू आया आपको, सेवन सिक्स फाइव, सेवन सिक्स फाइव एंड फोर, तो कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, माइनस वन सेवन जीरो सिक्स वन फाइव टू फोर। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस बार मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू लिया, हम y का भी वैल्यू ले सकते हैं या अल्टरनेट भी ले सकते हैं, जैसे कि एक बार x का वैल्यू मान लिया फिर एक बार y का ले लिया, आप कोई भी काम कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर वे में करेंगे तो बनाना आसान होता है, तो आप x का वैल्यू ले लें और y का वैल्यू निकाल लें, ये हो गया पहले के लिए। सिमिलरली हम किसके साथ करेंगे, दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो पहला लिखिए, इफ x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्या क्या लेना है हम लोग को, माइनस वन जीरो वन टू, कोई और भी नंबर ले सकते हैं लेकिन ये सबसे छोटे नंबर है इसलिए मैंने लिए हैं, और माइनस इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला जैसे जो ये लाइन बनी वो पीछे की तरफ भी जाए, इस तरफ भी जाए, क्योंकि जो दूसरी लाइन है वो ऐसे भी कट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इधर ही प्लस में ही कट होगी, वो निगेटिव में भी जाके कट हो सकती है और निगेटिव पे एक वैल्यू क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आप एक माइनस टर्म भी जरूर लें। तो इफ एक्स इक्वल टू वन, देन क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू फोर, दैट मीन्स
ये वन उधर जाके हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस ट्रांसफर हो गया। सेकेंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस फोर। सिमिलरली थर्ड इफ, अब माइनस की तरफ जाते हैं, माइनस वन, तो ये क्या हो गया, माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू फोर, दैट मीन्स ये माइनस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू फाइव एंड देन वाई इक्वल टू माइनस फाइव, ये हो गया तीन। अब हमारे पास एक और बचा है एक्स इक्वल टू प्लस टू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस वाई, प्लस टू माइनस वाई इक्वल टू फोर, दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस टू उधर जाके हो जाएगा माइनस, फोर माइनस टू दैट मीन्स टू, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस टू। इसका भी एक डेटा तैयार कर लेंगे, यहां पे एक डेटा तैयार कर लेते हैं, जगह कम है। सबसे पहले डालू x, y एंड प्रॉपर तरीके से लिखते हैं वो ज्यादा सही रहेगा, दैट मीन्स माइनस वन जीरो वन टू, माइनस वन का क्या आया था वैल्यू माइनस फाइव, जीरो का क्या वैल्यू आया था माइनस फोर, वन का वैल्यू आया था माइनस थ्री एंड लास्ट का वैल्यू आया था माइनस टू। कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस वन माइनस फाइव, जीरो माइनस फोर, वन माइनस थ्री, टू माइनस टू। अब हमारे पास ये चार चार कोऑर्डिनेट है, इन्हें ग्राफ में ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, ये मैं बनाऊंगा ग्राफ पेपर में। पहले क्वेश्चन के दो इक्वेशन है ये और उनके चार चार कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले हैं। अब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मींस लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए। वो रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। जैसे नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हम यहां पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से शुरू करेंगे जीरो, वन टू थ्री फोर प्लस में और इधर माइनस में। सिमिलरली वाई के लिए भी यही करेंगे, वाई का भी यही पॉइंट जीरो है, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। आप लोग के ग्राफ पेपर अलग होते हैं, मेरे आसपास सिर्फ यही ग्राफ पेपर मिला, इसलिए मैंने सिर्फ इसी पर बनाया है। तो आप में क्या होता था, दो के बीच में टेन लाइन होते थे, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो दो लाइन रखे हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ करते हैं अब कोऑर्डिनेट। पहला क्या है, माइनस वन। किसका वैल्यू माइनस वन है, पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, तो माइनस वन आपका कहां पे आया, यहां पे आया। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो सिर्फ यही एक लाइन है जहां पे एक्स का वैल्यू माइनस वन है। कहीं और चले जाइए, यहां पे अब ये माइनस वन नहीं रह गया, यहां चले जाइए ये माइनस वन से आगे चला गया, बट यही एक लाइन है, ये वाली लाइन जहां पे एक्स का वैल्यू माइनस वन रहेगा, ठीक है। अब ये लाइन हो गई एक्स की, ये ऊपर से लेके नीचे तक। दूसरा क्या है, सेवन। अब सेवन किधर है आपका, ऊपर है। अब ये माइनस वन यहां से लेके यहां तक रहता है और सेवन कहां से लेके कहां तक रहता है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आप अगर इधर चले जाइए इधर चले जाइए सेवन की वैल्यू बदल जाती है, बट इस लाइन पे नहीं बदलती है। तो जब दोनों मैच करते हैं एक जगह पे तो ये पॉइंट होती है माइनस वन एंड सेवन, तो हमने एक पॉइंट बना लिया। दूसरा जीरो एंड सिक्स। जीरो कहां पे आता है, एक्स का यहां पे आता है, तो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये जो y एक्सिस है, इसी पे x का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो अब आते हैं सिक्स पे। सिक्स कहां पे है, y का यहां पे है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर या इधर, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू यहीं पे सिर्फ जीरो है। थर्ड नंबर वन एंड फाइव। अब वन कहां पे है, यहां पे, तो ये पूरे लाइन पे ये वन होगा, इसे फाइव से मैच करेंगे, फाइव यहां पे है तो फाइव यहां पर आया। सिमिलरली टू एंड फोर। टू कहां पे है, यहां पे है, तो ये पूरे लाइन पे टू होगा एंड देन फोर यहां पे मैच करेगा। अब ये हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर आपका कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। सिर्फ आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि आपके आंसर में एरर है, तो फिर आप उसको ठीक कर लें एंड देन आगे बढ़ें, ठीक है। अब हमने ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, माइनस वन एंड फाइव। माइनस वन किधर है, इधर है, पहला वाला टर्म एक्स के लिए माइनस वन और माइनस फाइव, तो ये वाले टर्म में माइनस फाइव किधर आता है, इधर आता है, पहला हो गया। दूसरा जीरो एंड माइनस फोर, तो जीरो ये लाइन पे एक्स जीरो रहेगा, अब माइनस फोर नीचे है यहां पे, तो यहां पे आ गया। अब आया वन एंड थ्री, वन दैट मीन्स पॉजिटिव, तो ये वाला लाइन हो गया,
अब माइनस थ्री यहां पे है, अब आते हैं टू पे, टू है यहां पे और माइनस टू है यहां पे, तो ये दोनों यहां पे मैच कर गए। आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझने में उतना ही आसान होगा। अब ये लाइन भी मैंने चारों पॉइंट को मीट करके स्ट्रेट बना दी। ये जो वैल्यू लिए थे हमने इसके और इसके, वो क्या थे? हमने वैल्यू एज्यूम किए थे, दैट मीन्स वो एक्चुअल वैल्यू नहीं थे इनके। जैसे कि हमने जो भी वैल्यू लिए थे वो सिर्फ इस कंडीशन को सर्टिफाइड करते थे। सिमिलरली हमने जो इसके लिए ऑप्शन लिए थे वो सिर्फ इस कंडीशन को सर्टिफाइड करते थे। हमें कोई ऐसा आंसर चाहिए जो दोनों कंडीशन को सर्टिफाइड करे। तो इसका आंसर ये है कि दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहीं पे इन दोनों इक्वेशन का कंडीशन सर्टिफाइड होता है। अब वो पॉइंट क्या है? यहाँ पे ये मिले हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया एक्स का, तो ये हो गया फाइव, और ये वाई किधर जाके मिला है? ये वन से, तो आंसर हो गया वन। तो सिर्फ फाइव और वन के लिए ही ये इक्वेशन सही होगा। नंबर टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू। मैंने पहले ही चार्ट बना दिया है एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए दोनों में, और सबके लिए एक ही वैल्यू लेते हैं, वो क्या है? माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, जिससे बनाने में आसानी होता है। तो इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू फाइव, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा सिक्स। सेकेंड, एक्स का वैल्यू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस वाई इक्वल टू फाइव, देन वाई इक्वल टू फाइव। थर्ड, इफ एक्स इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस वाई इक्वल टू फाइव, वन प्लस वाई इक्वल टू फाइव, देन वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये वन उधर जाके हो जाएगा माइनस, फाइव माइनस वन दैट मीन्स फोर। सिमिलरली इफ, ये सब बनाने में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत तुरंत फटाफट बनाएं, तभी जाके आपका कोऑर्डिनेट जल्दी बनेगा और फिर आप ग्राफ बना सकेंगे। अगर आप इसमें ही धीरे धीरे करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम काफी लंबा हो जाएगा। इफ एक्स इक्वल टू टू, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? टू प्लस वाई इक्वल टू फाइव, दैट मीन्स वाई इक्वल टू फाइव माइनस टू दैट मीन्स थ्री। अब हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। पहला क्या था? पहला था सिक्स, फिर आया आपको फाइव, फिर आया फोर एंड देन फिर आया थ्री। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, माइनस वन सिक्स, जीरो फाइव, वन फोर एंड टू थ्री। सिमिलरली नेक्स्ट में भी वही काम करेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस वन और टू ले लेंगे। सबसे पहले इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो माइनस वाई इक्वल टू फोर, और ये माइनस हो जाएगा ट्रांसफर, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर। यहां लिख दें माइनस फोर। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? ये तो पार्ट हो गया जीरो, क्या बचा? माइनस वाई इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, आएगा वाई इक्वल टू माइनस थ्री, लिख दे माइनस थ्री। फिर आएगा इफ एक्स इक्वल टू वन, देन क्या हो जाएगा? वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री इक्वल टू, अब आप यहां पे देखिए, यहां क्या है? वन का साइन क्या है? प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बहुत सारे टाइम बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है वाई और वन के बीच में माइनस है तो इसलिए वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब भी कोई चीज इधर से उधर जाती है तो जो भी नंबर जा रहा है उसका साइन मैटर करता है। इसका साइन है आपका पॉजिटिव, तो उधर जाके हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस वाई इक्वल टू थ्री माइनस वन दैट मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू टू दैट मीन्स माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज माइनस टू। लास्ट, इफ एक्स इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा? ये टू माइनस वाई इक्वल टू थ्री, टू ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? थ्री माइनस टू। फिर से एक बार ध्यान दे, जो भी नंबर इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होता है वो वैसा ही रहता है। जैसे कि ये माइनस वाई था तो ये माइनस वाई ही रहेगा, ये प्लस थ्री था तो ये प्लस थ्री ही रहेगा। किसका साइन बस बदलेगा? जो इधर से उधर जाता है, दैट मीन्स ये टू है प्लस, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, होगा प्लस वन माइनस वाई एंड देन ट्रांसफर हो जाएगा माइनस उधर, तो हो जाएगा माइनस वन।
अब इसका वैल्यू हो गया माइनस वन, आपका कोऑर्डिनेट कैसा आया, माइनस वन माइनस फोर जीरो माइनस थ्री वन माइनस टू टू माइनस वन। अब इसे ग्राफ पर बनाते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, ये हो गया, जो हॉरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, नेमिंग कर देंगे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले इक्वेशन के लिए, माइनस वन सिक्स, माइनस वन किधर है, एक्स के लिए इधर है। अब यहां से लेके ये पूरी लाइन तक ये एक्स का वैल्यू माइनस वन ही रहेगा। अब वाई का वैल्यू क्या है, सिक्स है, सिक्स कहाँ है, ऊपर है, तो ये वाले पार्ट पे मैच करता है, ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। तो ये हो गया वन माइनस वन एंड सिक्स। दूसरा है जीरो एंड फाइव। अब यहां पे है एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये पूरी लाइन एक्स की क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब यहां पे है फाइव वाई का, तो यहां पे एक हमने पॉइंट बना लिया। फिर आए वन पे, वन एंड फोर। अब ये पूरी लाइन एक्स के लिए है वन एंड देन यहां पे है फोर। सिमिलरली टू एंड थ्री, अब यहां पे है टू, अब ये पूरी लाइन है टू के लिए, अब यहां पे थ्री है आपकी, तो यहां पे मैच हो गई टू थ्री। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अगर आपकी कोई पॉइंट मैच नहीं करी है, दैट मीन्स आपने कुछ गलत बनाया है, आप उसे दोबारा चेक कर ले। और यहाँ पे नाम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, ताकि हमें पता चले कि कौन सा है। अगर आप चाहे तो इन सबके कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, माइनस वन माइनस फोर। माइनस वन किसके लिए है, एक्स के लिए है, तो इधर आएंगे तो ऊपर नीचे इसका वैल्यू आएगा, लेकिन है माइनस फोर, दैट मीन्स वो नीचे ही आएगा, तो ये हो गया माइनस फोर, यहाँ पे मैच हो गया। दूसरा है जीरो एंड थ्री, तो जीरो है यहाँ पे, तो ये लाइन पे आएगा आपका एक्स का वैल्यू, और माइनस थ्री है यहाँ पे, इट्स माइनस थ्री। एंड देन वन एंड माइनस टू, वन कहाँ पे है, यहाँ पे है, पॉजिटिव में आ गया। अब माइनस टू लेकिन अभी भी नीचे में है, तो यहाँ पे आया, फिर से हमने एक पॉइंट बनाया। एंड टू एंड माइनस वन, टू इधर है, अब माइनस वन अभी भी नीचे है, तो ये पॉइंट आया। ये चार पॉइंट आया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, चारों पॉइंट सेम होने चाहिए, और यहाँ पे नेमिंग कर दी। अब ये जिस पॉइंट पे मिले वो पॉइंट क्या था, यहां से देखूं तो फोर और यहां से देखूं तो वन, तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ हमारा फोर और वाई कोऑर्डिनेट हुआ वन। यहां कितने इक्वेशन है, दो हैं। इस दो इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन या वैल्यू है जहां पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं, अदरवाइज वो अपना सेटिस्फाइड खुद रहता है। अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो ये सारे जगह सेटिस्फाइड है, और ये दूसरा है ये भी अपनी जगह पे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह है जहां पे दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे, ये जो सॉल्यूशन आता है हमारे क्या आता है, होल नंबर आता है या नेचुरल नंबर आता है, बाद में ये फ्रैक्शन में आने लगेगा, डेसिमल में आने लगेगा, और उसे ग्राफ में दिखाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने उससे बचने के लिए एक थ्योरी निकाली है। वो थ्योरी क्या है कि जिसका भी आप वैल्यू निकालते हैं, यहां पे आप किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका कोफिशियंट थ्री सेवन और सिक्स नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसका कोफिशियंट है वन और इसका कोफिशियंट है वन, तो ना ये थ्री है ना सेवन है ना सिक्स है, तो मतलब ठीक है चलेगा काम। बट मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा आ गया जिसमें थ्री सेवन सिक्स है, तो क्या करेंगे, देन उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। फिलहाल के लिए हमने यहां पे चेक किया, इसका कोफिशियंट है वन, इसका कोफिशियंट है वन, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़िए, एक्स का वैल्यू क्या डाला, माइनस वन, यहां माइनस वन आएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस वन, तो वाई का वैल्यू आ गया प्लस वन। उसके अलावा अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, तो वाई का वैल्यू क्या बचेगा, जीरो। अगर एक्स का वैल्यू वन हो जाए तो वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस वन। उसी तरीके से यहां पे एक्स का वैल्यू टू है तो अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे माइनस वन एंड वन, दूसरा जीरो जीरो, तीसरा वन माइनस वन, चौथा टू माइनस टू। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं समझता हूं कि मान लीजिए इसका कोफिशियंट यहाँ पे थ्री होता तो क्या होता आपका, थ्री वाई होता। तो जैसे मान लीजिए यही सिचुएशन ले लू, तो यहां पे क्या हो जाता, थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन, और अगर मैं वाई को अलोन करता तो क्या होता, थ्री उधर जाके शिफ्ट हो जाता, दैट मीन्स हो जाता माइनस वन बाई थ्री। अब वन बाई थ्री का वैल्यू आता है आपको
0.3333 एंड 3। अगर आप ग्राफ में देखें तो कैसा रहता है, कुछ जैसे आपने वन नेमिंग यहां की, टू नेमिंग यहां पे की, तो इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है। ये लाइन कितनी बार होती है, ये लाइन टोटल 10 बार होती है। यानी एक नंबर को 1 से 2 के बीच में हम इसको 10 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं, 1.4, 1.9 एंड 2 लिख सकते हैं। इतने सारे हम नंबर लिख सकते हैं। दैट मीन्स डेसिमल के बाद अगर एक नंबर आए तो हम उसे लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद अगर बहुत सारे नंबर आए तो हम उसे नहीं लिख सकते हैं। तो 3 का प्रॉब्लम यही है कि जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद एक नंबर नहीं आता, डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, और जिसे ग्राफ पे दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आपका आंसर आता है गलत। कम टू द नेक्स्ट। यहां पे हमने क्या लिया है, x इक्वल टू -1, 2 × -1 दैट मीन्स -2, -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 9 + 2 11। ये माइनस ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा -11। x इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो गया 0, दैट मीन्स -y इक्वल टू 9 दैट मीन्स y इक्वल टू -9। अब आते हैं x इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, 2 × 1 2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स -y इक्वल टू 7 दैट मीन्स y इक्वल टू -7। x इक्वल टू 2, 2 × 2 4, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 9 - 4 दैट मीन्स हो गया आपको 5, इधर क्या बचा रह गया -y, माइनस शिफ्ट कर देंगे बचा आंसर -5। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 -11 0 -9 1 -7 2 एंड -5। यहां जगह कम है इसलिए मैंने चार्ट नहीं बनाया, बट आप चार्ट बनाएंगे, उसमें क्या रहेगा, आप x का कॉलम बनाएंगे, x y का, और x y का कोऑर्डिनेट का कॉलम बनाएंगे, एंड देन आप उसका वैल्यू लिखेंगे। ओके नंबर थर्ड, यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है, एंड हम क्या सबसे पहले करेंगे, एक्सेस बना लेंगे एक्स और वाई, और यहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे। पहला शुरू करते हैं पहले कोऑर्डिनेट से, -1 एंड 1। -1 एक्स के लिए आता है, तो -1 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये वाली पूरी लाइन किसकी आएगी, -1 दैट मीन्स एक्स के लिए वैल्यू आएगी। अब ये 1 किधर है, ऊपर है, दैट मीन्स ऊपर जाना पड़ेगा, ये हो गया -1 एंड 1 वाई के लिए। दूसरा 0 0, यही एक पॉइंट है जहां पे दोनों टर्म दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, तो ये वाला हो गया सेकंड। तीसरा हो गया 1 एंड -1, तो 1 कहां है आपका, पॉजिटिव में, तो यानी इधर आना पड़ेगा। दूसरा क्या है, माइनस में, दैट मीन्स नीचे जाना पड़ेगा, तो 1 एंड -1 यहां पे सेटिस्फाइड करते हैं। 2 एंड -2, 2 एंड -2 यहां पे आ गया। अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख दिया, सभी एक लाइन में आने चाहिए, अदरवाइज आपने कुछ गलती की है। सेकंड भी हम वही करेंगे, -1 एंड -11। -1 किधर आता है आपका, इधर आता है, -11 किधर आता है, नीचे आता है, तो -1 -11 पहला हो गया। 0 एंड -9, 0 इस लाइन पे आएगा और -9 यहाँ पे है। देन अब आपका x हो गया पॉजिटिव दैट मीन 1, तो इधर आ जाएगा, एंड किधर होगा -7, -7 किधर है, नीचे ही है, तो यहाँ पे आ गया। फिर आया 2 एंड 5, तो आप गए 2 पे एंड -5 आपका यहाँ पर है। अब आपने फिर से एक स्ट्रेट लाइन बना दी और दोनों एक पॉइंट पे जाके मैच हुए, और वो पॉइंट क्या होगा, वो ये पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होते हैं, दैट मीन्स योर आंसर। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, x से, तो यहां से सबसे पहले देखिए 3, और इसका वैल्यू क्या आएगा, -3, दैट इज योर आंसर। नंबर 4, यहां पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, y का कोफिशियंट, क्यों, क्योंकि y निकालना है तो y का कोफिशियंट चेक करना है। y का कोफिशियंट है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे x का कोफिशियंट है 3, और 3 कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, तो क्या हम सेम प्रोसीजर से आगे बढ़ सकते हैं, यस आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको चेक सिर्फ और सिर्फ y का करना है, y में प्रॉब्लम है तभी आपको सिनेरियो चेंज करना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे कोफिशियंट है 1, नो प्रॉब्लम, यहां है कोफिशियंट 1, नो प्रॉब्लम। अब वैल्यू पुट करता हूं, 3 × -1 दैट मीन -3, -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, 2 + 3 5, -y = 5 दैट मीन्स y = -5। अब 0, ये वाला टर्म हो गया 0, तो क्या बचा, -y = 2 दैट मीन्स y = -2। अब x = 1, तो 3 × 1 3, अब ये प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा, 2 - 3 = -1, ये हो गया किसका वैल्यू, -y का, -, -, कैंसिल, y का वैल्यू 1।
एक्स इक्वल टू टू, थ्री इंटू टू सिक्स, किस में है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, टू माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस फोर, इधर क्या बचा हुआ था माइनस वाई, माइनस माइनस कट, वाई का वैल्यू फोर। अब इसे कोऑर्डिनेट को लिख लेता हूं, सबसे पहला था माइनस वन माइनस फाइव, दूसरा हमारा था जीरो माइनस टू, तीसरा था वन जिसका वैल्यू आया वन, एंड चौथा था टू जिसका वैल्यू आया फोर। अब यही सेम प्रोसीजर इसके साथ करते हैं, इसका कोफिशिएंट वन है नो प्रॉब्लम, एक्स का वैल्यू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री प्लस टू फाइव, दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये टर्म जीरो, तो क्या बचा माइनस वाई इक्वल टू थ्री, माइनस ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री। सिमिलरली वन हो गया x का वैल्यू, टू इंटू वन टू, ये क्या है प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, थ्री माइनस टू दैट मीन्स वन, माइनस ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस वन। सिमिलरली x का वैल्यू टू डालो, टू इंटू टू फोर, क्या है या प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, थ्री माइनस फोर दैट मीन्स माइनस वन, किसका वैल्यू है ये माइनस का, माइनस वाई का, माइनस माइनस कट, वाई का वैल्यू वन। अब हम इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, क्या है पहला माइनस वन माइनस फाइव, दूसरा क्या है जीरो एंड थ्री, तीसरा क्या है वन एंड माइनस वन, चौथा क्या है टू एंड वन। अब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। नंबर फोर, दो इक्वेशन है एंड उसके फोर फोर कोऑर्डिनेट है, अब इसे पुट करता हूं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले माइनस वन माइनस फाइव, तो माइनस वन दैट मीन्स इधर आएगा, एक्स का वैल्यू है, और माइनस फाइव दैट मीन्स नीचे जाएगा, तो ये वाला हो गया पहला पॉइंट। जीरो एंड टू, ये हो गया जीरो और ये पूरे टर्म में ये जीरो रहेगा और ये माइनस टू है, सॉरी ये माइनस टू है, ये हो गया यहाँ पे। देन वन एंड वन, अब एक्स बन गया पॉजिटिव तो इधर आ जाएगा और ये वाई भी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे वन एंड वन। टू एंड फोर, टू यहाँ पे है और फोर यहाँ पे है, तो ये मैच होके यहाँ बन गया। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी यहां से लेके यहां तक और नाम लिख दिया यहाँ पे 3x minus y equal to 2। सिमिलरली हम दूसरे के लिए भी यही करेंगे, माइनस वन माइनस फाइव, आपका सेम पॉइंट पे आता है जो यहां पर आया था। दैट मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में कोई सेम कोऑर्डिनेट आता है तो वही आपका आंसर होगा, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में कब कट होंगी, आपस में सिर्फ एक ही जगह होंगी, दो बार कभी नहीं कट हो सकती। तो अगर किसी एक पॉइंट पे दोनों कॉमन है, इसका मतलब है वही आंसर आएगा। बाकी पॉइंट भी मेंशन करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए एंड देन आपका जो आंसर रहेगा यही रहेगा, दैट मीन्स माइनस वन माइनस फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहां भी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कोएफिशिएंट चेक करेंगे, ये क्या है फोर, तो ये तीनों में नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा क्या है टू, तो ये भी इन तीनों में नहीं आता है, दैट मीन्स प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आपको और बताता हूं, यहां पे क्या है फोर, तो कौन कौन से नंबर प्रेफरेबल होते हैं, तो वन बहुत आसान होता है, टू भी आसान होता है, और फाइव और फोर में पहला प्रेफरेंस हम देते हैं नंबर फाइव को फोर के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर को डिवाइड करें, दैट मीन्स अगर आप एट को डिवाइड करते हैं फाइव से, तो आंसर आएगा 1.6, तो यहां पे डेसिमल कितना नंबर पे आया, एक नंबर पे आया। तो आप कोई भी नंबर ले ले, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस अगर मैं 1 को भी अगर 5 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0.2। तो 5 से डिवाइड करने के बाद कोई भी नंबर सिर्फ एक डेसिमल में आता है, बट 4 के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 4 से, तो क्या आएगा 2.5, ये तक तो ठीक है, लेकिन मैं 11 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 4 2 जा 8 कितना बचा 3, तो 7 जा 28, फिर से बचा 2 एंड 5, कितने डेसिमल हो गए, 2 डेसिमल हो गए। और अगर इसी को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, 2 जा एंड 1 बचा एंड देन 2, दैट इज योर आंसर। तो इसीलिए 1 2 इज गुड, बट अगर 5 और 4 में दो ऑप्शन रहे हमारे पास, तो हम पहले 5 को चूज करेंगे। अब हम यहां पे देखते हैं, हमारे पास आ गया है 4, तो इसके चांसेस है कि हमारा डबल डिजिट में नंबर है, तो क्या हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं इसके साथ, आंसर है नहीं, क्योंकि एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है 3, और 3 7 6 हमें किसी भी हाल में नहीं लेना है। तो आप कहेंगे कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, वो तो समझ में आया, 7 से डिवाइड नहीं होता है, वो भी समझ में आया, बट 6 का क्या फंडा है। तो अगर आप देखेंगे तो 6 किस नंबर से बना हुआ है, 2 into 3, तो 2 तो ठीक है, बट इसके साथ जो 3 है ये मेन आपको पंगा करता है, इसी के वजह से 6 भी मैंने यहां पे बैन करके रखा हुआ है। तो अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, 4 इज गुड,
तो हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं, और इधर क्या है, टू है, तो टू इज ऑल्सो प्रिफरेबल नंबर, तो हमें भी यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कम टू द क्वेश्चन अगेन, 3 इंटू माइनस 1 तो क्या हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3, माइनस 7 प्लस 3 बिकम माइनस 4, माइनस माइनस कट, y का वैल्यू आया 1, गुड, x का वैल्यू है 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, बचेगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कट, y का वैल्यू आया 7 बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा, एंड ये यहां पे डेसिमल कितने नंबरों में आया, दो नंबरों में आया, दैट इज नॉट गुड। बट अगर मैं 3 से कंपेयर करूं तो 3 अगर डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, बहुत सारे डेसिमल आते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि मेरा दो डेसिमल में नंबर हो। अब x इक्वल टू 1, तो ये वाला पार्ट हो गया 3 इंटू 1 3, और 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस 7 माइनस 3 बिकम माइनस 10, माइनस माइनस कट हो गया, y का वैल्यू आया 10 अपॉन 4, दैट मीन्स 2.5, दैट इज ऑल्सो गुड। वन डेसिमल नंबर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया 6, और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7 माइनस 6, दैट मीन्स माइनस 13, माइनस माइनस कट, y का वैल्यू 13 अपॉन 4, वैल्यू आएगा 4 3 जा 12, 1 लेफ्ट बचा, 4 2 जा 8, अगेन 2 बचा, 5 जा 20, यहां भी 2 नंबर डेसिमल में है, बट हम कुछ इसके लिए कर नहीं सकते। अब आंसर आएगा माइनस 1 1 0 1.75 1 2.5 एंड 2 3.25। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिसमें आप डेसिमल पूरी तरीके से गायब कर देंगे, बट वो तरीका समझने के लिए आपका कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होना चाहिए और आप उस मेथड के यूज टू होने चाहिए, तो मैं रहने देता हूं, वैसे आपको ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के आएंगे नहीं, तो यही आपको ठीक, आपके लिए ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस 1 वैल्यू है, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 5, दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस और 2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 बाई 2, दैट मीन्स माइनस 2.5, एक नंबर डेसिमल, नो प्रॉब्लम। अब x इक्वल टू हो गया 0, तो ये टर्म हो गया 0, दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और 0 के साथ आप कुछ भी डिवाइड करिए, आंसर आता है 0, x का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 5, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5 माइनस माइनस कट, अब ये 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और 5 को 2 डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 2.5। अब आते हैं x इक्वल टू 2 पे, 5 इंटू 2 10, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10, 2 से डिवाइड कर दू, आंसर आएगा y का 5। कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, माइनस 1 माइनस 2.5 0 0 1 2.5 2 का आएगा आपको 5, दैट इज योर कोऑर्डिनेट। कम टू द ग्राफ नंबर 5, दो इक्वेशन है एंड देन उनके चार कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा है 1 एंड 2.5 जहां पे दोनों मैच कर रहे हैं, और दो इक्वेशन सिर्फ एक ही जगह जाके मीट करते हैं और वही उनका आंसर होता है, तो यहाँ पे ये दोनों जाके मीट किए तो आंसर इनका यही होगा 1 एंड 2.5, यही आपका आंसर होगा। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपके नंबर डेसिमल में है, तो डेसिमल पे क्या खास आपको ध्यान देना है, आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें दो लाइन के बीच में 10 टाइम्स होगा, तो जैसे 1.2, 1.3 ये सब लिखना आसान है, लेकिन अगर 1.25 ऐसा कुछ लिख दूं मैं, 1.35 लिख दूं ऐसा, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, एक बार 0.75 आ रहा है, एक बार 0.25 आ रहा है, 1 और 0.5 को डिनोट करना तो आसान है, बट 0.25 को और 75 को डिनोट करना मुश्किल है, तो अब आप क्या करेंगे, तो आपका मेन फोकस जो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या जिसका आंसर 0.5 0.2 एक डेसिमल में है, आप वहीं पे फोकस करेंगे। अब जैसे कि यहां पे क्या है 1.75, 1.75 किसके बीच में आता है, 1.8 एंड 1.9 के बीच में, सॉरी 1.7 और 1.8 के बीच में आता है, तो ये लाइन जो है आपको पहले से ही बहुत छोटी रहती है, उसके बीच में आप पॉइंट कहां डालेंगे। अगर आपने पॉइंट किसी तरीके से डाल भी दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आप लाइन स्ट्रेट बना रहे हैं वो उससे मैच ही करेगी,
तो इसलिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए और 0.5 पे होना चाहिए। आप उसी दो लाइन को आपस में ठीक से मैच कर देंगे और बाकी दोनों के लिए आप ज्यादा बॉदर नहीं होंगे कि उससे भी मैच करना जरूरी है, वो थोड़ी सी साइड से भी निकल जाएगी तो चलेगा। बट कहाँ मेन फोकस होना चाहिए, जो डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट है या जिसमें डेसिमल नहीं है, वहीं पे सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका। अब आए सेकंड सिनेरियो में, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक डेसिमल में नंबर है, एक डेसिमल में नंबर है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रॉब्लम सेट वन के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड वाई वेयर x = 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक काम करिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, दैट मीन 4 × 1 प्लस बाकी जो वैल्यू है 5y = 19। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। 4 × 1 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, -19 - 4 दैट मीन्स 15। तो क्या हो गया, 5y = 15 दैट मीन्स 15/5 दैट मीन्स 3, दैट इज योर आंसर। नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। यहां पे आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये टेबल पूरा करना है। उसमें आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - 6y = 3, जिसमें कि पहले टर्म में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है वो, -5। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं 2 × -5 - 6y = 3, तो -5 × 2 दैट मीन्स -10, बाकी टर्म वैसे ही लिखाएंगे। अब ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, 10 + 3 दैट मीन्स 13। अब y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, -6 उधर भेजना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा, -13/6। आपके आंसर में ऐसा ही दिया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अगर आप चाहें तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो क्या होगा, -5 - 13/6, ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई का। उसके अलावा इसी टर्म में y = 0 दिया हुआ है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, 2x = 3 दैट मीन्स x = 3/2। तो यहां हो गया 3/2। अगर आप चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, दैट इज योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व इक्वेशन ग्राफिकली। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 12 एंड दूसरा है x - y = 1। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि y का कोफिशिएंट 3, 7 और 6 नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि x का वैल्यू यहां पे -1 रख देता हूं, तो क्या होगा, 2 × -1 -2, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो उधर का 12 क्या बन जाएगा, 14। इधर क्या है, 3y है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 14/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 × 4 = 12, डेसिमल कितना बचा, 2, देन आएगा आपको 6, 6, 6, 6, 6। और इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। 3, 6, 7, 3, 6, 7, इसके बाद और भी नंबर आ सकते हैं, जैसे 9 भी आ सकता है, इवन आपको 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, बट उतने बड़े बड़े नंबर आपको रहेंगे नहीं, इसलिए मैंने छोटे नंबर 7 तक लिए हैं। इन सब नंबरों का क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मैं 14 को कट करूं 7 से तो ये तो बिंदास कट हो जाता है, लेकिन अगर मैं 15 लिख दूं डिवाइडेड में, तब यहां पे असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और डेसिमल जो है बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यहां पे आप फिर से देखें, यहां पे क्या होता है, 2x अपने नंबर के साथ उधर चला जाता है, अब यहां बचता है 3y। अब y को अलोन करने के लिए 3 को उधर डिवीजन में भेजना पड़ता है, और अगर 3 डिवीजन में चला गया, या नहीं तो 6 या नहीं तो 7, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इन चारों में से एक दो के वैल्यू सही आ जाएंगे, बट जो बाकी दो बचेंगे उसके वैल्यू आपको डेसिमल में बहुत अजीब से आएंगे और आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला टर्म नहीं लूंगा, तो अब क्या। तो इसका आंसर ये है कि अभी तक आप क्या करते थे, y का वैल्यू निकालने के लिए आप x लेते थे, अब आप क्या करेंगे, इसी y का वैल्यू आप एज्यूम कर लेंगे और आप x का वैल्यू निकालेंगे, दैट मींस उल्टा प्रोसेस कर देंगे। इससे एक्चुअली में क्या होगा, अब आप यहां पर आके आके देखिए, यहां पे आपको प्रॉब्लम किस है, 3 से, कि 3 उधर डिवीजन में जाता है और आपका काम नहीं बन पाता है।
अभी हमने क्या किया, वाई का वैल्यू अगर हमने कुछ दे दिया तो थ्री को हमने उधर डिवीजन में जाने से रोक दिया और उसे एक कोई वैल्यू बना दिया। मान लीजिए कि टू अगर वैल्यू दे दिया तो क्या हो गया, सिक्स हो गया, और सिक्स उधर जाके माइनस हो गया, प्लस हो गया, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ। तो हमारा काम इस तरीके से आसानी से बन जाता है। अब आपको कौन डिवाइड होगा, जाके टू डिवाइड होगा, टू से हमें कोई प्रॉब्लम है, आंसर है नहीं, हमें वन टू फाइव एंड फोर से प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट 3 है इसीलिए हम x एज्यूम ना करके y एज्यूम करेंगे। तो सभी जगह y लिख दें, y y y एंड y, क्या वैल्यू लेंगे, माइनस वन कोई भी वैल्यू ले, 0 1 2, वही वैल्यू लेते हैं जो अभी तक लेते आए हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू माइनस वन, 3 × -1 -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12 + 3 दैट मीन 15, 2x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 7.5, 15 अपॉन 2 क्या होता है, 7.5 होता है, डेसिमल में एक नंबर, नो प्रॉब्लम। y इक्वल टू 0, ये वाला टर्म हो गया 0, 2x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 6, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, y का वैल्यू 1, तो क्या होगा, 3 × 1 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 12 माइनस 3 9, दैट मींस 2x इक्वल टू 9, दैट मींस x इक्वल टू 9 बाय 2, दैट मींस 4.5, वन डेसिमल, नो प्रॉब्लम। y इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 6, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 12 माइनस 6 दैट मींस 6, 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, बट कोऑर्डिनेट लिखने में आप एक खास बात ध्यान जरूर रखेंगे कि जो पहला टर्म होता है वो हमेशा x होता है, दैट मींस कोऑर्डिनेट में पहला टर्म x, और x का इस बार आपने वैल्यू निकाला है, दैट मींस 7.5, उल्टा ना लिख दे आप, नहीं तो कोऑर्डिनेट में फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 0, पहले ये 4.5 एंड देन 1 एंड 3 एंड 2। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, तो यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे है 1, दैट मींस नो प्रॉब्लम, हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे अभी तक बनाते आए हैं, यानी x का वैल्यू लेके। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि इधर हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला, तो क्या हम इधर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर है यस, आप निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप चाहे तो इसमें 2 में x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 में y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ठीक से लिखना पड़ेगा, दैट मींस पहले x और पहले y। तो यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है, दैट मींस नो प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं, x का वैल्यू -1, -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, दैट मींस y इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0, तो -y इक्वल टू 1 बचा, तो माइनस ट्रांसफर कर दिया, बचा -1। याद रखें y का वैल्यू चाहिए ना कि -y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, उधर जाके हो जाएगा -1, 1 - 1 0, दैट मींस -y इक्वल टू 0, और अब ये माइनस उधर चला जाएगा, 0 का साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया 2, उधर जाके हो जाएगा माइनस, दैट मींस -y इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -1 -2 0 -1 1 0 and 2 and 1। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन फर्स्ट, 2 इक्वेशन है और 4 4 कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, क्यों हम ये एक्सिस बनाते हैं, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रेफरेंस प्लेस चाहिए। तो 2 रेफरेंस प्लेस क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस। नेमिंग कर देंगे जैसे आप नंबर लाइन की करते हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, सिमिलरली वाई का क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे निगेटिव। अब वैल्यू पुट करते हैं, -1 and 7। अब एक्स का वैल्यू -1 किधर होगा, इधर होगा, और दूसरा क्या है, 7, तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये वाले पूरे लाइन में ये होगा -1, कहीं आप और चले जाइए चाहे इधर चाहे इधर, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी बट -1 नहीं रहेगी। तो ये हो गया -1 and 7। दूसरा आते हैं 0, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, तो ये पूरे लाइन के लिए x की वैल्यू है 0 एंड यहाँ पे आएगी आपकी 6। थर्ड वन 1 and 5, 1 यहाँ पे है, 5 ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये होगी 5 एंड देन 2 and 4, ये होगी आपकी लाइन, आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी एंड देन x प्लस y इक्वल टू 6 लग दिया। आपके सारे पॉइंट मैच करने चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि कुछ तो गलत है। कम टू द नेक्स्ट, -1 -5, -1 किसका वैल्यू है, x का, तो इधर आएगा -1 और -5, दैट मींस नीचे जाना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया -5, देन
जीरो एंड माइनस फोर, जीरो यहां पे है तो ये वाले पूरे जगह ये जीरो रहेगा और ये होगा माइनस फोर। तीसरा है वन एंड माइनस थ्री, तो वन है यहां पे और माइनस थ्री है यहां पे। वन देन टू एंड माइनस टू, तो टू है आपका इस तरफ, दैट मीन्स इधर, माइनस टू के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो यहां हो गया। तो यहां पे भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि दोनों एक पॉइंट पे जाके मैच हो जाए। अगर सपोज आपने सिर्फ इधर ही लाइन बनाई, इधर लाइन नहीं बनाई, तो वो मैच ही नहीं करेगा। तो किसी एक पॉइंट पे कटना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो नीचे से देखेंगे दिस इज फाइव, एंड इधर से देखेंगे तो दैट इज वन। देन फाइव एंड वन इज योर आंसर। क्वेश्चन टू, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो पहले यहां पे इसे ठीक कर देते हैं, ये प्लस फोर उधर जाके हो जाएगा माइनस फोर। उसके अलावा हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमारे कोफिशिएंट में क्या नहीं होना चाहिए, थ्री नहीं होना चाहिए, सेवन नहीं होना चाहिए, सिक्स नहीं होना चाहिए, और क्या क्या चलेगा वो है वन टू फाइव एंड फोर, ये सब चलेगा। अब चेक करते हैं y का कोफिशियंट क्या है, थ्री है तो ये नहीं चलेगा। फिर x का कोफिशियंट चेक करते हैं, ये है वन, दैट मीन्स ये चलेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, y का वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इफ y इक्वल टू माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन दैट मीन्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन दैट मीन्स एक्स इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, बन जाएगा माइनस टू। सेकेंड इफ वाई इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, एक्स का वैल्यू आएगा वन। इफ वाई इक्वल टू वन तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, ये माइनस थ्री उधर चला जाएगा, बन जाएगा प्लस थ्री, वन प्लस थ्री दैट मीन्स फोर। सिमिलरली इफ वाई इक्वल टू टू तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू वन दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स उधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स सिक्स प्लस वन सेवन। तो हमने वैल्यू निकाल लिया है, बट आप प्रॉपर तरीके से लिखे, दैट मीन्स यहां पे पहले हमने माइनस टू निकाला है, माइनस टू देन माइनस वन, एक्स वाई में आप प्रॉब्लम ना करें। देन वन जीरो देन फोर एंड वन देन सेवन एंड टू। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, यहां पे y का कोफिशियंट क्या है, टू है, तो इसका मतलब यह है कि हम x का वैल्यू लेंगे वन जीरो माइनस टू वन, तो हमारा काम बन जाएगा। मान लीजिए कि आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि y का कुछ वैल्यू ले ले और x निकाले। अब x का कोफिशियंट देखिए थ्री, तो ये क्या है, डेंजर है, तो हमें यहां पे हाथ नहीं लगाना है। तो अपना यही वाला प्रोसेस ठीक है कि x का वैल्यू ले लेंगे, तो इफ x इक्वल टू माइनस वन तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन दैट मीन्स माइनस थ्री माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस थ्री उधर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस फोर प्लस थ्री हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस कट, वाई का वैल्यू आया वन बाई टू दैट मीन्स 0.5, एक नंबर डेसिमल कभी भी चलेगा। अब एक्स का वैल्यू लेता हूं मैं जीरो, तो ये हो गया टर्म जीरो दैट मीन्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर, माइनस माइनस कट, वाई का वैल्यू। सिमिलरली एक्स का वैल्यू वन, तो ये हो गया थ्री, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस फोर माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस सेवन, वाई का वैल्यू आएगा डेसिमल में 3.5, एक नंबर डेसिमल कभी भी चलेगा। उसके अलावा एक्स का वैल्यू टू, थ्री इंटू टू सिक्स, प्लस सिक्स उधर जाके हो जाएगा माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टेन, माइनस माइनस कट, वाई का वैल्यू फाइव। इसको भी लिख लेते हैं, माइनस वन 0.5, जीरो टू वन 3.5, टू एंड फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ कोफिशियंट देख के अपने प्रॉब्लम आसान कर सकते हैं। नंबर टू, दो इक्वेशन है एंड देन उनके फोर फोर कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले हमें बनाने पड़ेंगे दो एक्सेस लाइन, एक्स एंड वाई, वाई फॉर वर्टिकल, एक्स फॉर हॉरिजेंटल, एंड दे यूज एज रेफरेंस लाइन। अब कोऑर्डिनेट प्लेस करते हैं, माइनस टू माइनस वन, पहला आपको डिनोट करता है एक्स को, तो माइनस टू इधर जाएंगे एंड माइनस वन नीचे जाना पड़ेगा, तो आपका हो गया ये वाला पॉइंट। एंड देन वन जीरो, तो वन किधर आ गया आपका, यहां पे आ गया, इस पूरे लाइन पे ये वन रहेगा और वाई का वैल्यू है जीरो, तो यहां पे आ गया। उसी तरीके से फोर
फोर एंड वन, तो फोर इधर है और वन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ये हो गया सेवन, सेवन के लिए इधर जाइए और टू के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहां पे हो गया और हमने ये एक लाइन बना दी। उसी तरीके से अब हम इस पर आएंगे माइनस वन एंड 0.5, तो माइनस वन के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर, 0.5 के लिए दैट मीन्स पॉजिटिव जाना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो गया 0.5, वन एंड जीरो के बीच में। सिमिलरली जीरो एंड टू, तो जीरो है आपका यहां, टू के लिए जाना पड़ेगा दैट मीन्स प्लस है ऊपर, फिर वन, वन मतलब इधर और कहां जाना पड़ेगा ऊपर 3.5, तो 3 और 4 के बीच में 3.5। सिमिलरली 2 एंड 5, 2 के लिए आप आ गए इधर और 5 के लिए जाना पड़ेगा ऊपर, ये हो गया आपका लाइन। जब आपने इन चार पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन बनाया तो ये एक पॉइंट था जहां पे दोनों आके कट हुए, और ये जो पॉइंट है कट करने का, यहीं पे आपको रियल आंसर मिलेगा जहां पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। अगर मैं अलग अलग इक्वेशन के बारे में बात करूं, सिर्फ इसके बारे में, तो इसके हजार आंसर हो सकते हैं, इसके भी हजार आंसर हो सकते हैं, बट दोनों सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, बट अगर मैं दोनों कंडीशन को एक साथ लूं तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे दोनों कट करेंगे और वही उनका आंसर होगा। तो इसका आंसर सबसे पहले हम यहां से x से शुरू करेंगे, दैट मीन्स माइनस टू, और फिर y पे जाएंगे, दैट मीन्स माइनस वन, दैट इज योर आंसर। नंबर थर्ड, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, इसे एक प्रॉपर तरीके में बदल देते हैं, पहले ये 30 को उधर भेज देता हूं तो हो जाएगा माइनस 30। उसी तरीके से 5x प्लस 4y माइनस 20, इसे भेज देता हूं उधर, दैट मीन्स प्लस 20। उसके अलावा हमें क्या चेक करना है, कोफिशियंट चेक करना है, तो y का कोफिशियंट चेक करते हैं, y का कोफिशियंट है 6, तो ये हो गया आपका डेंजर, मतलब ये आपको नहीं करना है, अगर आप ये करेंगे तो फंसेंगे। दूसरा x का चेक करिए, तो ये है 5, तो 5 इज प्रेफरेबल, हम ये ले सकते हैं, तो हम अब यहां पे क्या करेंगे, y का वैल्यू सपोज करेंगे और x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक में 6 हो एक में 3 हो, तब हम क्या करें, तब हम कुछ कर भी नहीं सकते, जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, बट यहां पे जिसका कोफिशिएंट 6 3 एंड 7 हो वो आप नहीं लेंगे। तो शुरू करता हूं मैं, y का वैल्यू सबसे पहले लेता हूं हमेशा की तरह माइनस वन, माइनस सिक्स माइनस वन बन जाएंगे प्लस 6, तो हो जाएगा 5x, और प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स माइनस 36, और अगर मैं x से कट करूं तो होगा माइनस 36 अपॉन 5 इक्वल टू 5 जा 35, कितना बचा 1 बचा, डेसिमल 2 जा 10, तो 5 से आप कभी भी कट करेंगे तो सिर्फ एक ही डेसिमल में हमेशा नंबर आएगा। अब y का वैल्यू देता हूं मैं 0, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, दैट मीन्स 5x इक्वल टू माइनस 30, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स माइनस 6। नेक्स्ट y का वैल्यू अगर मैं लू 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ऐसा हो जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 30 प्लस, तो इसका आंसर होगा माइनस 24, एक्स का वैल्यू होगा 24 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 5 4 20, कितना बचा 4 बचा, तो 0.8 जा, आप देख सकते हैं यहां भी आपको एक ही नंबर डेसिमल में आ रहा है। लास्ट y इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, दैट मीन्स 5x माइनस 12, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 30 माइनस 30 प्लस 12, ये हो जाएगा आपको माइनस 18, दैट मीन्स x का वैल्यू होगा माइनस 18 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 3 जा 15, कितना बचा 3 बचा, देन 6, तो आपका आंसर क्या क्या आया, ध्यान रखें x को पहले लिखना है, माइनस 5.2 माइनस 1 माइनस 6 0 4.81 एंड लास्ट माइनस 3.6, किसके लिए डाला था, 2 के लिए। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, यहां पे आपको क्या है, एक 5 है एक 4 है, तो कौन सा आपके लिए आसान होगा, तो आंसर है कभी भी आपको 5 और 4 रहे तो आप हमेशा प्रेफर 5 को करेंगे, दोनों आसान होते हैं, बट 4 में कभी कभी क्या होता है डेसिमल 2 पॉइंट पे आता है, बट 5 में डेसिमल कभी भी 2 पॉइंट पे नहीं आता, 1 पॉइंट पे आता है, इसलिए हम 5 प्रेफर करेंगे। तो y का वैल्यू लेना पड़ेगा, इफ y इक्वल टू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, तो 5x माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4, दैट मीन्स 24,
तो x का वैल्यू आएगा 24 अपॉन 5, वैल्यू आएगा 5, 4 जा 20, बचा 4, 8। इफ y इक्वल टू 0 तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, देन 5x इक्वल टू 20, देन x को अलोन करेंगे तो 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 4। इफ y इक्वल टू 1 दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा 4, वो जाके उधर हो जाएगा माइनस, तो 5x इक्वल टू 20 माइनस 4 दैट मीन्स 16, तो x का वैल्यू होगा 16 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 1 लेफ्ट बचा, 5 2 जा 10। इफ y इक्वल टू 2 तो ये 4 2 जा 8, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 5x 20 माइनस 8 दैट मीन्स 12 इक्वल टू 12 अपॉन 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, बन गया 20 एंड आंसर आया 4। अब आपको यहां पे फिर से ध्यान रखना है, पहले x लिखना है एंड देन y लिखना है, तो आपका आंसर होगा 4.8 किसके लिए, माइनस 1 के लिए। दूसरा क्या है 4 किसके लिए, 0 के लिए। तीसरा क्या है 3.2 किसके लिए, 1 के लिए, एंड देन 2.4 2 के लिए। अब इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। यहां पे है आपको दो इक्वेशन एंड फोर कोऑर्डिनेट्स। अब आंसर में क्या आया हुआ है, 7.2, फिर 4.8, 3.6। अगर मैं आपके ग्राफ के बारे में बात करूं तो दो नंबर के बीच में 10 लाइंस है, दैट मीन्स आप 0.1, 0.2, 0.3 आप उसे डिनोट कर सकते हैं। बट मेरे पास कैसा था, ऐसे 10 लाइन नहीं थे, तो मैंने क्या किया, दो नंबर के बीच में 5 प्लेस ले लिए, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, और हर एक प्लेस कितना डिनोट करता है, 0.2 को, दैट मीन्स 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड फाइनली 2। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे माइनस 5.2 आंसर में निकाला है, जो गलत है। सही आंसर है आपका माइनस 7.2, और उसके अलावा 4.8 मैंने लिख दिया है, जबकि उसका आंसर है माइनस 4.8। आप उसे करेक्ट कर लें। अब ग्राफ पे इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है, माइनस 7.2, तो माइनस आपका जाएगा इधर, क्योंकि एक्स एक्सिस मैंने हॉरिजेंटल बनाया है और वाई वर्टिकल बनाया है, और आपको भी ऐसा ही बनाना है। 7.2 तो 7 आपका यहां है, और हर एक के लिए मैंने 0.2 डिसाइड किया है, तो आपका आएगा यहां पे, तो ये वाली पूरी लाइन में आपका ड्रॉ होगा वाई। अब वाई का वैल्यू क्या है, -1, दैट मीन्स नीचे जाना पड़ेगा, कहां पे, -1 पे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब सेकेंड पे जाते हैं, -6, तो इधर ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा 0, तो इसी लाइन पे y की वैल्यू होगी, तो ये हो गया आपका 6 एंड 0। -4.8, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। अब आपका वैल्यू है पॉजिटिव में, तो जाना पड़ेगा ऊपर, कहां तक, 1 तक, तो 1 तक मैं गया। देन 3.6 एंड 2, 3.6, 2, 4, 6। अब इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, ऊपर 2 तक, तो यहां पे मैं गया, और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और नाम लिख दिया 5x - 6y = 30, दैट मीन्स -30। अब आते हैं इस पर, 4.8 एंड -1, 4.8 किधर आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो 4.8 दैट मीन्स ये 4 हो गया, तो ये वाला पॉइंट होगा 4.8। अब आपको कहाँ जाना है उसके अलावा, -1, दैट मीन्स नीचे जाना है, तो ये हो गया -1, तो ये वाला हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया 4 एंड 0, 4 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे आ गया। तीसरा हो गया 3.2, 3 यहाँ पे है, 0.2, दैट मीन्स अब जाना पड़ेगा ऊपर, कहाँ तक, 1 तक, ये वाली पार्ट हो गई। फिर आ गया 2.4 एंड 2, 2.4, 1 एंड 2, 2.4 हो गया, और कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि y का वैल्यू है 2, तो यहां तक गया मैं। फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और जहां पे ये मैच किया वो पॉइंट कौन सी जगह पे है, वो है 5, लेकिन ये है वैल्यू y का। अब आप देखें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जाने पर x की वैल्यू नहीं बढ़ती, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये x 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर होगा 0 एंड 5, दैट इज योर आंसर। नंबर 4, यहां पे क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2, तो ये क्या करेंगे, माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 2। सिमिलरली यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, y का कोफिशिएंट चेक करेंगे, यहां पे है 1, यहां पे है 1, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू लेता हूं मैं -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, दैट मीन्स -3 माइनस वाई वैल्यू है 2। अब ये -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5, और ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट मीन्स
माइनस फाइव इज योर आंसर। सिमिलरली अब आता हूं x इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, तो y इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस y इक्वल टू टू, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस टू। सिमिलरली x का वैल्यू अब लूंगा वन, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा थ्री, थ्री प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई टू माइनस थ्री, दैट मीन्स माइनस वन। ये माइनस माइनस कट, y का वैल्यू वन। अब x इक्वल टू टू, तो क्या होगा थ्री इंटू टू सिक्स प्लस सिक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस फोर। तो अब हमारे यहां पे क्या क्या वैल्यू आ गया है, माइनस वन माइनस फाइव, दूसरा वैल्यू क्या है जीरो माइनस टू, तीसरा क्या है वन एंड वन, चौथा क्या है टू एंड फोर। सिमिलरली अब यहां पे चेक करेंगे, यहां पे कोफिशिएंट वाई का क्या है वन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स का वैल्यू सबसे पहले डालते हैं माइनस वन, तो क्या होगा माइनस टू, माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स एट प्लस टू टेन। सिमिलरली एक्स का वैल्यू डालते हो जीरो, ये पार्ट हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स वाई का वैल्यू आएगा एट। अब हम क्या डालेंगे वाई सॉरी एक्स इक्वल टू प्लस वन, तो ये हो गया प्लस वन यानी टू, टू उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स एट माइनस टू दैट मीन्स सिक्स, वाई का वैल्यू सिक्स। इफ एक्स इक्वल टू प्लस टू, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, एट माइनस फोर दैट मीन्स फोर, तो वाई का वैल्यू आ गया फोर। तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया वैल्यू क्या क्या आया, माइनस वन टेन, जीरो एट, वन सिक्स एंड टू एंड फोर। तो आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, y का कोफिशियंट क्या है, अगर y का कोफिशियंट 3, 7, 6 में कुछ है तो आप उसे चेंज करके x के कोफिशियंट पे चले जाइए। नंबर 4, यहां पे 2 इक्वेशन है एंड 4 कोऑर्डिनेट्स है, 4 4 ये मैंने बना दिया x एक्सिस और ये बना दिया y एक्सिस, y एक्सिस फॉर वर्टिकल एंड ये फॉर हॉरिजॉन्टल। वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन एंड फाइव, माइनस वन किधर आएगा इधर आएगा, माइनस फाइव नीचे जाएगा तो यहाँ पे हो गया, दूसरा हो गया जीरो एंड टू तो जीरो यहाँ पे हो गया, माइनस टू किधर जाएगा नीचे जाएगा, फिर आ गया वन एंड वन तो वन यहाँ पे है, फिर वन के लिए वो किधर जाएगा ऊपर जाएगा, वाई का वैल्यू वन है दैट मीन्स ऊपर जाएगा। फिर हो गया टू तो टू यहाँ पे है, अब फोर है दैट मीन्स फोर क्या है पॉजिटिव, फोर पॉजिटिव के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ये वाला हो गया ये वाली लाइन। उसके अलावा जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो पॉइंट है टू फोर एंड टू फोर, दोनों सेम है एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के दो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाके मीट करते हैं, दैट मीन्स दो लाइन बनेगा और दो लाइन सिर्फ एक ही जगह जाके मीट करेगा तो वही उसका आंसर होगा। तो अगर आपको कोई पॉइंट मैच करता हुआ दिखे तो आप वहीं पर समझ जाइए कि वही आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन थर्ड, 3x plus y equal to 10, x minus y equal to 2. यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे y का कोफिशियंट, ये है 1 और ये है 1, तो हमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती, जब वो कोफिशियंट होता 3 और 7 और इवन 6 भी होता तो हमें ये प्रॉब्लम आती। सबसे ज्यादा जो कोफिशियंट हम प्रेफर करेंगे वो है 1, 2, 5 एंड आफ्टर दैट 4। अगर ये कोफिशियंट किसी का है तो पहले आप यहीं से शुरू करें, तो ये मैं पहले शुरू करता हूं, यहां पे x का वैल्यू लेता हूं माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन दैट मीन्स माइनस थ्री, माइनस थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स 13। सिमिलरली x इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, तो y इक्वल टू बच जाएगा 10। x इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा थ्री, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा 7। अब 2, x इक्वल टू 2, तो क्या वैल्यू आया 6, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 10 माइनस 6 4, तो y इक्वल टू 4, वैल्यू क्या आया माइनस 1 13, 0 10, 1 7 2 4। यहां भी आपके कोफिशियंट 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस 1 से शुरू करते हैं, ये हो गया माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स माइनस y प्लस 2 प्लस 1 3, तो y का वैल्यू हो गया माइनस थ्री, माइनस ट्रांसफर हो गया। x का वैल्यू जीरो, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, हो गया माइनस वाई इक्वल टू टू, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस टू। सिमिलरली x इक्वल टू वन, तो ये क्या हो गया वन, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, टू माइनस वन दैट मीन्स वन,
प्लस वन, ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस वन। सिमिलरली एक्स का वैल्यू अभी हम देंगे टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, टू उधर जाके हो जाएगा माइनस, टू माइनस टू जीरो, दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई इक्वल टू जीरो। अभी सबका वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे माइनस वन माइनस थ्री जीरो माइनस टू वन माइनस वन एंड फाइनली टू एंड जीरो, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके अभी हम इसे सॉल्व कर देंगे। नंबर फाइव, टू इक्वेशन फोर कोऑर्डिनेट्स, हर बार की तरह यहां पे यही काम करेंगे, हॉरिजेंटल पे एक्स एक्सिस, वर्टिकल पे वाई एक्सिस, और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। पहला है माइनस वन एंड थर्टीन, तो माइनस वन किधर आएगा, इधर आएगा, और थर्टीन आपका किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका थर्टीन। दूसरा नंबर किसको डिनोट करता है, वाई को डिनोट करता है, थर्टीन है दैट मीन्स ऊपर जाना पड़ेगा। फिर जीरो एंड टेन, तो अब आप आ गए एक्स की वैल्यू जीरो यहां पे है और टेन कहां पे है, ऊपर है, तो यहां पे हो गया। फिर आ गए वन एंड सेवन, तो आपका वन है यहां पे, सेवन कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये है पॉजिटिव, तो हो गया यहां पे। उसके अलावा टू एंड फोर, तो टू यहां पे है, फोर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया फोर। अब आते हैं इस पर, उससे पहले आप इसका नाम लिख दें, जो भी आप लाइन बनाते हैं, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने गलत बनाया है, या तो आपने ग्राफ में गलत पुट किया है, या नहीं तो आपने कुछ आंसर में गलती की है। सेकंड नंबर माइनस वन एंड माइनस थ्री, माइनस वन किधर है, इधर है। अब माइनस थ्री के लिए किधर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे गया माइनस थ्री। फिर जीरो एंड माइनस टू, जीरो यहाँ पे, माइनस टू के लिए कहाँ, यहाँ। फिर वन एंड माइनस वन, तो वन कहाँ है, यहाँ, माइनस वन के लिए जाना पड़ेगा नीचे। फिर आ गया टू एंड जीरो, तो टू यहीं पे है, वाई का वैल्यू जीरो कहाँ पे होगा, वाई का वैल्यू जीरो सिर्फ यहीं पे होगा, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जीरो सिर्फ यहीं पे रहेगा। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू हो गया, और दोनों मिलके एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है, एक्स के लिए वैल्यू है थ्री और वाई के लिए वैल्यू है वन, दैट इज योर आंसर। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के कई इक्वेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कितनी बार मीट कर सकते हैं, एक बार मीट कर सकते हैं, जो अभी तक आपने देखा सारे क्वेश्चन में एक जगह वो जाकर मीट कर जाते हैं। बट ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में कभी मीट ही ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो वो कभी भी जाके मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में इन दो इक्वेशन का कोई भी आंसर नहीं आएगा आपस में। ध्यान रहे जो मैं ये वर्ड यूज करता हूं आपस में, इसका मतलब ये है कि दो इक्वेशन जो होता है आपका, पहला और दूसरा, इनके अपने अपने हजारों आंसर हो सकते हैं, बट दोनों जो जिस जगह पे जाके मीट करते हैं वो सिर्फ एक होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार मीट करे, हो सकता है कि वो कभी भी ना मीट करे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका कोई आंसर हो। अगर उनकी लाइन पैरेलल हो जाती है तो उनका हो जाएगा नो आंसर, मतलब दोनों किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों का कोई भी कॉमन आंसर नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। दो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी, क्या होगा कि दो लीनियर इक्वेशन आपस में एक पॉइंट पे मैच करेंगे तो एक कॉमन आंसर आएगा, दूसरा वो दोनों कभी मैच ही नहीं करेंगे तो नो आंसर आएगा। उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की एक लीनियर इक्वेशन की, और दूसरे का जब मैंने ड्रॉ किया तो वो सेम टू सेम उसके ऊपर ही चला आया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे, अब आप देखें दोनों सेम लाइन पे है, दैट मींस यहां पे भी मैच करिए, यहां पे भी मैच करिए, यहां पे भी मैच करिए, जितनी बार भी आप डॉट देते जाए वहां पे वो मैच कर रही है, तो ये कितनी बार हो गई, अनलिमिटेड टाइम हो गई, दैट मींस फाइनाइट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा आपका। नाउ लास्ट क्वेश्चन of unit practice set 1.2, question number 6। ये question मैंने last में इसलिए रखा ताकि आपका coefficient का फंडा clear हो जाए, then मैं ये question को लूँ। Solve करने से पहले हम क्या check करेंगे, coefficient। यहाँ पे y का coefficient है 3, that means आपको बहुत सारी problem आएगी। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी y का coefficient है 3, तो यहाँ भी आपको same problem आएगी। वहीं पे अब x का coefficient देखते हैं, यहाँ पे है 2, दैट मीन्स आपका काम बन जाएगा आराम से। यहाँ पे है 1, तो यहाँ भी आपका काम बन जाएगा। तो दोनों जगह आप क्या करेंगे, y के वैल्यू को अज्यूम करेंगे एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज
y इक्वल टू माइनस वन, पुट द वैल्यू 2x माइनस वन इंटू माइनस थ्री, दैट मीन्स प्लस थ्री, प्लस थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री दैट मीन्स वन, तो x का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू, दैट मीन्स 0.5, एक डेसिमल नो प्रॉब्लम. अब इफ y इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा 2x इक्वल टू फोर, दैट मीन्स x इक्वल टू टू इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो वो बच जाएगा 2. नाउ इफ y इक्वल टू वन, y का वैल्यू अगर मैं 1 दू तो क्या होगा, ये बन जाएगा 3 इंटू वन माइनस थ्री, माइनस थ्री उधर जाके हो जाएगा प्लस, 4 प्लस थ्री सेवन, 2x इक्वल टू सेवन, देन x इक्वल टू 3.5, 7 को 2 से डिवाइड करो 3.5, वन डेसिमल नो प्रॉब्लम इफ y इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टू सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस सिक्स प्लस फोर 10, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 5. वैल्यू एक अरेंज वे में आप रख ले, x का वैल्यू 0.5 एंड माइनस 1, x का वैल्यू 2, 0, 3.5, 1, 5 एंड 2. उसी तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो अगर हम x का वैल्यू एज्यूम करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए हम y का वैल्यू एज्यूम करेंगे. तो y का वैल्यू क्या है, सपोज माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री उधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स फोर प्लस थ्री सेवन, माइनस एक्स इक्वल टू सेवन, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, ट्रांसफर हो गया माइनस. इफ y इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, माइनस एक्स इक्वल टू फोर, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस फोर. सिमिलरली इफ y इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री, थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव में है, तो फोर माइनस थ्री दैट मीन्स वन, माइनस एक्स इक्वल टू वन, देन एक्स इक्वल टू माइनस वन. इफ y इक्वल टू, वैल्यू देता हूं मैं टू, तो क्या होगा थ्री इंटू टू सिक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फोर माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस टू, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कट, एक्स का वैल्यू टू. तो अब हम ये कोऑर्डिनेट फिर से लिख देंगे, पहले आपको एक्स लिखना है, आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है वो पहले लिखाता है. तो होगा आंसर माइनस सेवन, माइनस वन, माइनस फोर, जीरो, माइनस वन, वन, टू एंड टू. इसे अब हम ग्राफ पे बना लेंगे. नंबर सिक्स, ये दो इक्वेशन हो गए एंड उनके फोर कोऑर्डिनेट्स हो गए. हर बार की तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, नेमिंग करेंगे, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव, एंड देन वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 एंड माइनस वन. तो 0.5 किधर, दैट मीन्स पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक, दैट मीन्स बीच में होगा 0.5, और माइनस वन दैट मीन्स नीचे आएगा. तो यही एक पॉइंट है जहां पे दोनों मैच हो जा रहे हैं. सिमिलरली 2 एंड 0, 2 कहां पे है यहां पे, और y कहां पे है 0. अब y 0 सिर्फ इसी लाइन पे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया. तीसरा हो गया 3.5 एंड 1. अब 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, और 1 है तो 1 है आपका इधर, तो यहां पे एक हो गया, एंड चौथा भी हो गया आपका 5 एंड 2, इसी तरीके से. सिमिलरली अब दूसरे लाइन पे आते हो, इससे पहले यहां पे आप नाम लिख देंगे, माइनस सेवन माइनस वन. तो माइनस सेवन किधर आएगा, इधर आएगा. अब माइनस वन किधर आएगा, नीचे आएगा, तो यहां पे आया. माइनस फोर इधर है, जीरो है, तो इसी पे आपका वाई का वैल्यू जीरो होता है. अगर आप ऊपर जाएंगे तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ यहीं पे जीरो होता है, तो यहां पे आपका आया. तीसरा है माइनस वन एंड वन. माइनस वन कहां है, इधर ही है, तो माइनस वन अब ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वाई का वैल्यू हो गया वन, तो यहां पे गए. एंड फोर्थ वन, टू एंड टू, टू आपका यहां पे है, ऊपर जाएंगे तो टू यहां पे आएगा. अब आपने यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी और इस पे नाम लिख दिया 3y माइनस एक्स इक्वल टू फोर. सॉरी, मैंने ये दो जगह लिख दिया है, बट ठीक है. किस पॉइंट पे इन्होंने मैच किया, यहां पे. अब सबसे पहले इसमें x का वैल्यू लिखेंगे. x का वैल्यू कहां से देखेंगे, नीचे से, ये हो गया 8, और इधर जाएंगे ये क्या हो गया 4. दैट इज योर आंसर.